नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कुछ डिटेल्स भी क्या है प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए भाई, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1556 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सियासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। देखिए, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें क्या है, बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हारा गया था। तो बाबर की जीत हुई इसमें, इब्राहिम लोदी क्या है मारा गया इसमें। तो फिर क्या हुआ, एक बाबर की पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था, मुसम्मत काबुली। बाबर की पत्नी का नाम क्या था, मुसम्मत काबुली। उसने क्या है, ये तीन चीज़ें बनवाई थी, इसकी पत्नी ने बनवाई थी भाई, मुसम्मत काबुली ने। क्या, कौन कौन सी, एक काबुली बाग हो गया, काबुली मस्जिद हो गया और काबुली महल हो गया। ये तीन चीज़ें बाबर की पत्नी मुसम्मत काबुली ने बनवाई थी। तो इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं, काबुली बाग, तो बी क्या है, राइट आंसर आ गया। इसमें से एक दे रखा है, बाकी तीन आप याद रख सकते हैं भाई। बाबर की पत्नी ने तीन चीज़ें बनवाई, बाबू की पत्नी का नाम क्या है, मुसम्मत काबुली। काबुली से जो भी क्वेश्चन आएगा वह क्या है, पानीपत से रिलेटेड होगा। पेपर में पूछ भी सकता है काबुली बाग कहाँ है, या काबुली मस्जिद कहाँ है, या काबुली महल कहाँ है, तो कहाँ पर है, पानीपत में है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको याद रखनी है। तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। भाई अरावली की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम नहीं होता है। आपका आपके सामने ऑप्शन है, साहिबी नदी, बेट्स नदी, दोहन नदी या चेनाब नदी। जो चेनाब नदी है, इसका जो उद्गम है वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, बाकी इन तीनों का अरावली की पहाड़ियों से जो उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी भाषा को घोषित किया गया था। बोल रहा है जिस समय हरियाणा बना, तो पहली भाषा तो आप सभी को पता है, तो हरियाणा की जो दूसरी भाषा है वह कौन सी घोषित की गई थी, तो तमिल की गई थी भाई। कौन सी की गई थी, तमिल की गई थी। पहली तो हरियाणवी हो ही गई, दूसरी कौन सी हो गई, तमिल। तो बी जो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर आता है, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गोगा पीर की को किस रक्षक माना जाता है। मतलब गोगा पीर जो है किसके लिए रक्षक माना जाता है, ये होता है भाई सर्प के लिए। गोगा पीर किससे संबंधित होता है, सांप से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या ये सोनीपत के अंतर्गत की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए वर्तमान में हरियाणा राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वर्तमान में 31 है। पेपर में जो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था उसमें 31 नहीं दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 31 जो इसका राइट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। भाई मोहम्मद तुर्क को, या गुलाम जिलानी को, या मोहम्मद रमजान शहीद को, या किसी को नहीं। देखिए, हरियाणा का सबसे पहला सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीलिया है वह किस अवसर पर गाया जाएगा। पीलिया जब बच्चे का जन्म होगा उस अवसर पर क्या है, गाया जाएगा। तो बच्चे के जन्म पर क्या है, पीलिया गाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से पहलवान हैं। तो देखिए भाई, दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से हैं, बजरंग पुनिया हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट है, बताइए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी का वर्तमान निदेशक कौन है। तो भाई गुरविंद सिंह जो है ये पंजाबी साहित्य अकेडमी का क्या है, वर्तमान निदेशक है। तो इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर है, हमने बताना है कि
स्वतंत्रतापूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? देखिए, हरियाणा का और पंजाब का उच्च न्यायालय अब तो कहाँ पर है, सभी को पता है, चंडीगढ़ में है। पहले कहाँ पर था जब स्वतंत्रतापूर्व? तो ये लाहौर के अंतर्गत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, लाहौर। नेक्स्ट है, जो वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो भगवान है हनुमान का जन्म स्थान केथल को माना जाता है भाई। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली क्या है, बोली कौन सी है? तो भाई हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली बांगुरु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के 21 जिले में से ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है। इसने बोला है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और 21 जिले हैं, कौन से इनमें से जो है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है? रोहतक एक ऐसा है जिसके अंतर्गत क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देसा में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? भाई देसा में देश हरियाणा के लेखक ये उदय भानु हंस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर है हरियाणा के जो वर्तमान लोकायुक्त हैं, अब हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन से हैं? न्यायमूर्ति जो नवल किशोर अग्रवाल है, इनको हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनवीर सिंह बढ़ाना जो हैं, ये राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनवीर सिंह बढ़ाना ये आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है? तो भाई ये देती है हमारा जो किशन लाल भाट हैं, इनको क्या है ये नींव शैली की स्वांग रखने की श्रेय देती है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो फिल्म थी पगड़ी दाओ नर, इसमें अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो भाई इसमें जो बलजिंदर कौर है, इसको मिला भाई पुरस्कार। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो हाल ही पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है? हाल ही पुरस्कार ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये उर्दू अकेडमी के द्वारा, हरियाणा उर्दू अकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं भाई। बाकी किसी को PDF लेनी हो तो नीचे कमेंट्स कर सकता है, या फिर इस प्रकार से और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो भाई, 400-500 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे द्वारा, वो भी क्या है प्राप्त कर सकता है। तो भाई थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।